नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में एक दिन में अब तक के सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में देश में 442 लोगों की मौत हुई और 22,771 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की कुल संख्या 6,48,000 से ज्यादा हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 18,000 से अधिक है। फिलहाल एक्टिव केस 2,35,000 से ज्यादा हैं। भारत में एक दिन में यानी 3 जुलाई को 2,42,000 से अधिक कोरोना सैंपल्स की टेस्टिंग की गई, जिससे देश में अब तक की गई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 95,40,000 को पार कर गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने उम्मीद जताई है कि भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च हो जानी चाहिए। परिषद ने इस वैक्सीन के ट्रायल से जुड़े संस्थानों को खत लिखकर यह बात कही। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,364 नए मामले सामने आए हैं और 198 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,92,000 से अधिक हो गई, जिनमें से करीब 80,000 एक्टिव मामले हैं। कुल मौतों का आंकड़ा 8,376 हो गया है। दिल्ली में एक दिन में 2,520 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 59 लोगों की मौत हुई, जिससे दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 94,000 को पार कर गया और मरने वालों का आंकड़ा 3,000 के करीब है। फिलहाल एक्टिव केस 26,000 से अधिक हैं। गुजरात में 687 नए संक्रमण के मामले आए हैं और 18 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 34,000 से ज्यादा हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 1906 है। फिलहाल 24,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 24,825 संक्रमण के मामले हो चुके हैं और 735 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 17,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, इसलिए एक्टिव केस 6,869 हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। कुरैशी ने ट्विटर पर इसकी सूचना दी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए तरीकों की जांच के लिए फ्रांस में एक अदालत का गठन किया गया है। यूनियन के सदस्यों और डॉक्टरों की शिकायत के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री एडर्ड फिलिप सहित 3 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र में रखकर ये जाँच की जाएगी। शुक्रवार को दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,10,00,000 से ज्यादा पहुंच गई। पिछले 7 महीनों में कोरोना से 5,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में शुक्रवार को कुल 53,000 नए मामले सामने आए, जिससे अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 28,00,000 के करीब हो गया है। इसके अलावा मरने वालों की संख्या 1,29,000 से अधिक है। ब्राजील में 42,000 से अधिक नए संक्रमितों की पहचान की गई है। ब्राजील में अब तक 15,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से संक्रमित और मौत के मामले में अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटों में ब्राजील में कोरोना से 1,290 लोगों की मौत हुई और इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 63,174 पहुँच गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।